नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम पीवीसी पाइप की जानकारी लेंगे। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पर पीवीसी पाइप के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ पीवीसी की फुल फॉर्म। तो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें जो है आपको जो अलग अलग रंगों की कैटेगरी मिल जाती है, अलग अलग रंगों में आपको ये पाइप मिल जाता है, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है वो हम घर के वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए करते हैं, जैसे कि बारिश का पानी, टॉयलेट और बाथरूम का पानी। इसके अलावा घर में जो पानी की फिटिंग की जाती है उसमें भी हम पीवीसी पाइप का यूज करते हैं। पीवीसी पाइप की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो लचक काफी अच्छी होती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी हाई होती है। यानी कि पीवीसी पाइप जो होता है जब उसके ऊपर दबाव आता है तो ये पाइप टूटता नहीं है बल्कि थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब देख लेते हैं पीवीसी पाइप को इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पर फिर से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये पाइप जो है भार में बहुत हल्के होते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के बने होते हैं। दूसरा, ये सस्ते होते हैं और रिपेयर करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए किसी पाइप के अंदर लीकेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करना बहुत ईजी होता है। तीसरा पॉइंट है इनमें जंग नहीं लगता क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं। चौथा पॉइंट है इनका जीवन काल लंबा होता है, यानी कि 30 से लेकर 40 वर्षों तक एक बार आपने आपने फिटिंग कर दी तो ये जो पाइप है बिल्कुल भी खराब नहीं होते, आपकी पाइपलाइन सही रहती है। वहीं जो आपके जीआई पाइप होते हैं या फिर लोहे के पाइप होते हैं अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनका जीवन काल बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बिजली के कुचालक होते हैं, यानी कि ये जो पाइप होते हैं मान लीजिए पानी है, अगर पानी में करंट आ जाता है तो इन पाइपों को अगर आप छू लेते हो तो आपको करंट नहीं लगता है क्योंकि ये बिजली के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनको फिट करना और जोड़ना आसान होता है क्योंकि इनको जोड़ने के लिए जो है सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप के एक सिरे पर सॉल्वेंट लगाते हैं और दूसरे सिरे के माध्यम से हम सॉकेट या फिर कोई भी फिटिंग को आसानी से जोड़ सकते हैं। केवल चिपकाने जैसा एक तरीका आसान होता है जिसके माध्यम से हम इन पाइपों को जोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इनकी जो अंदरूनी सतह होती है वो नरम होती है जिससे घर्षण हानि कम होती है, और ये इस पाइप का सबसे अच्छा फायदा है क्योंकि जो आपका पंप होता है, जो मोटर होती है, जब पाइपलाइन के माध्यम से पानी को पहुंचाती कहीं पर भी तो होता क्या कि पाइप के अंदरूनी जो सतह अगर वो प्लेन होगी तो जो आपका पंप है, मोटर है, उस पर दबाव कम आएगा। तो ये जो पाइप होते हैं अंदर से बिल्कुल प्लेन होते हैं, इसीलिए इनमें जो अच्छी मात्रा में जो है कम समय में ज्यादा पानी पहुंचाया जा सकता है, तो जो आपका घर्षण का जो नुकसान होता है वो नहीं होता है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करने के जहाँ कुछ फायदे होते हैं वहीं कुछ इसकी कमियां भी होती हैं, इसकी कुछ खामियां भी होती हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है यह पाइप अधिक तापमान पर नरम हो जाते हैं, यानी कि अधिक गर्मी होने पर या फिर इनके माध्यम से अगर हम गर्म पानी को गुजारते हैं या फिर गर्म पानी के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पाइप है नरम हो जाती है और इनके जो जोड़ हैं वो खुल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इनको अधिक दबाव पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो पीवीसी के पाइप होते हैं उनका इस्तेमाल अधिक दबाव पर नहीं किया जा सकता, इससे भी इनके जो जोड़ हैं वो लीक हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है ये जो पाइप होते हैं ये आपको बड़े व्यास में नहीं मिलेंगे, यानी कि इनकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है आपकी 24 इंच, यानी कि 24 इंच व्यास से अधिक साइज के पाइप आपको नहीं मिलेंगे अगर आपको पीवीसी के पाइप खरीदने हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।